और यहाँ ट्रैफिक खुल चुका है और मायावती जी को धूप लग रही है। इधर बहुत ज्यादा धूप है। मायावती का पार्क मगर बहुत बड़ा है गुड्डू। हाँ, उन्होंने पार्क बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। काश के वो थोड़े हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस भी बना देते। अच्छा। और उनकी हालांकि हम इस करंट गवर्नमेंट को भी यही बोलेंगे कि थोड़े बहुत मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बनाने चाहिए, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी गाड़ी से गाँव गया था लास्ट अप्रैल में, और आप बिलीव नहीं करोगे कि कहीं एक गड्ढा नहीं था पूरी सड़क में। मतलब हम यहाँ से लेके अपने गाँव चले गए, लेकिन जो बिहार में जाके, बिहार के लोग जानते होंगे नदियों पे डाइवर्जन्स होते हैं, उसके अलावा कहीं एक गड्ढा नहीं था। बहुत ही प्यारा बना रखा है हर चीज। गेट की कमी नहीं है, 36 तो गेट है इसमें। हाँ, इसी गेट नंबर 5 से ही एंट्री होती है। ओके। अगर किसी को आना हो तो गेट नंबर 5 पे ही आया करें। और आए और थक जाए तो जूस भी है गन्ने का। हाँ, लेकिन बट थकने की क्या ही बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बताऊँ, इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना, अभी गर्मी में कोई ना आए। और जो भी आएगा ना, वो ग्लूकॉन डी का पैकेट साथ में रख के आए। डिहाइड्रेट हो जाएगा बहुत। अभी लू चलने लगी है, अभी 5 अप्रैल है आज के। लू चलती थी मई जून में यहाँ पे, लेकिन अप्रैल में ही चलने लगी है लू। तो दिल्ली का हालत बहुत ही खराब हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यही हाल हो रखा है। अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी है। कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। टिक 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 टिक। पता नहीं कहाँ से आ गया मुंह पे गाना। हाँ, यही गुनगुना रहा है। अब हम ग्रेटर नोएडा से निकलेंगे तो हमारा धन्यवाद किया जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ। ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा ही है। नोएडा ही है ये रास्ता, पीछे की तरफ ग्रेटर नोएडा जाता है। हाँ, और इस तरफ राइट हैंड साइड में जो है वो सब फिल्म सिटी है, नोएडा फिल्म सिटी। इधर आइए। इधर नोएडा फिल्म सिटी पड़ता है। हम फिल्म सिटी भी आ सकते कभी घूमने। वैसे इतनी गर्मी में तो मैं कहीं नहीं आ रहा। हाँ, गर्मी में नहीं घूमते हम। हमें पहाड़ों पे कोई बुला ले 10-15 दिन के। हाँ, लिए बिल्कुल तो... जो भी पहाड़ पे है ना वो बुला ले हमें, हम तो रहने के लिए आ जाएंगे 2-3 दिन। हम अपना राशन पानी लेके आएंगे। बस हमें वो चाहिए, शेल्टर चाहिए, और नहीं तो कोई भी होम स्टे चाहिए जहाँ पे हम स्टे कर सके, खूब सारी ब्लॉगिंग कर सके उनके साथ में, और हाँ, और लोकल लोकल चीजें भी देख सके। या तो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, ऐसे बिल्कुल ऐसी जगह। सच में धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। आप देखिए कितना सुंदर गेट बना रखा है। मायावती जी ने ही इसका विकास बहुत ज्यादा किया। हालांकि वो कभी आई नहीं नोएडा, लेकिन उन्होंने नोएडा का बहुत विकास किया है। मायावती जी बहुत ही, मतलब आप देखोगे अगर यूपी की राजनीति में बात की जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया लीडर होके निकल के आई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी। उन्हें पता था कि आगे जो है दिल्ली में इतनी भीड़ रहने वाली है, उन्होंने नोएडा बसाया, फिर ग्रेटर नोएडा बसाया। बाद की गवर्नमेंट ने बहुत काम नहीं किया, लेकिन अब ये करंट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे भी। लेकिन मायावती जी बहुत दूरदृष्टा थी, ये तो समझना पड़ेगा। खाली उन्होंने पार्क की बजाय स्कूल कॉलेजेस बनाए होते, हॉस्पिटल्स बनाए होते, तो वो एक और अलग अध्याय जुड़ जाता। और यहाँ पर हम, यहाँ पर हम जो करंट गवर्नमेंट है ना दिल्ली के अंदर, उनको भी ये बोलना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को बहुत ज्यादा आप वो मत समझिए, कुछ नहीं होता है वहाँ पर। हॉस्पिटल बनाए, जो हॉस्पिटल है ना उसको भी आपने मोहल्ला क्लिनिक ही बना दिया है। तो नए नए हॉस्पिटलों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 5-7 साल में हमने किसी नए हॉस्पिटल को बनते हुए नहीं देखा। कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हम, चाहे वो दिल्ली में ही बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में हो या फिर इधर की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ काम भी, ऐसी कोई डेवलपमेंट भी नहीं देखी। शीला दीक्षित जी, मैं कांग्रेस का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं शीला दीक्षित जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने भी, चाहे कुछ भी घोटाले हुए हों या फिर जो भी हुआ हो, भाई काम बहुत अच्छा हुआ था।
दिल्ली चमक गई थी, दिल्ली चमक गई थी। शीला दीक्षित जी जैसा लीडर दिल्ली में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तभी तो 15 साल रही भी थी वो, तभी 15 इयर्स लोग उन्हें पसंद करते थे। वो पीपल टू पीपल वुमेन्स के लिए भी बहुत काम किया, बहुत वुमेन के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहता था उनका। और आप जितने भी फ्लाईओवर देख रहे हैं ना दिल्ली में, आप ये लगा लीजिए कि 90% प्लस फ्लाईओवर जो है ना वो उसी उन्हीं के टाइम में बने हुए होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास और शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में ही बने होंगे। तो जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करता है ना उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। तो आज हम लग रहा है ये व्लॉगिंग पॉलिटिकल ही कर रहे हैं, नहीं क्योंकि हमें देखने को मिल रही है ना चीजें, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली मतलब भारत की राजधानी है और यहाँ का क्या क्या चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल नहीं जा रहा है, आप लोग कमेंट मत करिएगा, नहीं आप भर भर के कमेंट करिए, लेकिन आप ये जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या अगर कुछ बुरा कह रहे हैं तो, लेकिन कोई किसी एक विचारधारा से स्टिक होके नहीं करना आप कमेंट कि हाँ भाई मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप खुद देख लो ना कि आखिरकार डेवलपमेंट जो देगा ना उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए कभी भी। होगी वो तो। शीला दीक्षित जी जैसा काम दिल्ली में किसी ने नहीं कराया। सही बात। वो सुषमा जी की गवर्नमेंट रही थी 5 साल, फिर भी उन्होंने इतना काम नहीं कराया था जितना शीला दीक्षित ने काम कराया। 5 साल रही भी थी या नहीं मुझे याद नहीं है, बट देन वो बनी तो थी मिनिस्टर। अभी दिखेगा यहाँ पे, दिखाऊंगी मैं। आनंद विहार की तरफ चलते हुए यहाँ से, और बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार की साइड, आ गए आनंद विहार, गाजीपुर आ गए, गाजीपुर। हाँ गाजीपुर दिल्ली का जो सबसे बड़ा कौन सा मार्केट है, फिश मार्केट है। मतलब नॉनवेज मार्केट, नॉनवेज से रिलेटेड जो भी मार्केट है वो यहीं पे है। यहाँ झगड़ा हो गया तो मैं इधर से अलग से निकाल लूँ। दिल्ली है तो भाई दिल्ली दिल वाले हैं तो झगड़ा लड़ाई फसाद दंगा करेंगे। हाँ, होता ही रहता, होता ही रहता। और आप ये देखोगे इधर दीदी आपके ना लेफ्ट हैंड साइड पे इधर, ये जो है ना कूड़े का सबसे बड़ा पहाड़ है। और 3-4 साल पहले ना जब बरसात आई थी तो ये बहुत गिर बड़ा पहाड़ गिर गया था, तो बहुत सारे लोग दब के मर भी गए थे। ये इतना बड़ा है कि बस ये गिरा और नीचे जो झुग्गियां होती है या फिर जो घर है ना, बहुत लोगों की डेथ हुई थी इस पहाड़ के गिरने से। कई घरों के ऊपर ही गिर गया था। और अब हम आनंद विहार की तरफ मुड़ते हुए, अभी तो है गाजीपुर, ये दिखता नहीं था थोड़े दिनों पहले यहाँ से, अब यहाँ से भी दिखने लगा है। मतलब नॉर्मली तो ये दिखता है अगर आप ऊंची बिल्डिंग्स पे हो तो, लेकिन ये दिखता नहीं था, बट ये इतना ऊंचा हो गया है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि इसको आप मतलब बढ़ाओगे नहीं इसको आप कम करोगे धीरे धीरे। कौन ही सुन रहा है, ये भी मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम है, नारायण कल्याण करे। मुक्ति धाम हॉस्पिटल लग रहा है, एम्बुलेंस खड़ा है, ये भी तभी मुक्ति धाम है। हॉस्पिटल का नाम मुक्ति धाम रखेंगे तो कोई जाएगा वहाँ दीदी बता किधर काम है। हाँ ये बात भी सही है, यहाँ तो मुक्ति मिल रही है, जहाँ से इंसान को मुक्ति मिल जाए उस हॉस्पिटल में क्या ही करने जाए, क्या ही करने जाएंगे। येलो बस की बात कर रहा था मैं, ये आनंद विहार से सीधे, सॉरी निजामुद्दीन से सीधे अपने यहाँ छोड़ देती है राजभवन, बट ये फ्री नहीं है लेडीज के।
और यहाँ हम आ चुके हैं आनंद विहार। आनंद विहार में जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि मोस्टली जो बिहार की गाड़ियाँ होती हैं, है ना गोलू गुड्डू, तो वो जाती है यहीं से बिहार की और ईस्ट की तरफ। जितनी गाड़ियाँ जाती है तो नई दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा यहीं पे गाड़ियाँ जाती है उधर के लिए। हाँ, एक प्रॉपर जो स्टेशन है ना आनंद विहार का, यहाँ से है, यहाँ से अंदर जाते हैं आनंद विहार रेलवे टर्मिनल, और यहाँ पर देख लीजिए बस अड्डा भी आनंद विहार का, तो आनंद विहार के दर्शन आप लोग यहीं से कर लीजिए। बहुत रश रहता और है। बताना आप लोग कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। और कितनी अव्यवस्था वाली स्थिति रहती है। आप ये देखिए ऊपर ये जो पाथ बना रखा है ना ऊपर से जाने के लिए, वहाँ पे लोग कम जाते हैं, नीचे की तरफ कई बार इकट्ठा हो जाते हैं। सही बात है। तो यहाँ 6-6 फुट के यहाँ पे ना ग्रिल लगा दिए ताकि कोई क्रॉस ना कर पाए, क्रॉस ही ना कर पाए, जाना ही पड़े। और स्टेशन पे जाने के लिए सारी व्यवस्था है, घर से कुछ भूल जाओ तो यहाँ आपको जूते मोजे पतावे टाई बेल्ट ताला चाबी और छोटी मोटी सारी चीजें, छोटी मोटी नहीं पूरा आपका मतलब पूरे घर का सामान ही है, हर चीज है। तो आपको कभी जाना हो तो बस कुछ मत लाना, यहाँ से हर चीज आप लोगों को मिल जाएगी। और ये आनंद विहार क्रॉस किया हमने, अब चलते हैं हम लोग दिलशाद गार्डन की तरफ चलते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको दिल्ली घूमना जरूर बताना। मोस्टली इधर हमने सड़कों को ही दिखाया है इस वाले ब्लॉग में, बट फिर भी हमें तो अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को हम लोग ये शो कर रहे हैं। दोपहर के टाइम भी 2 बज रहे हैं और दिल्ली की हालत आप देख सकते हैं, ट्रैफिक में यहाँ कभी भी शांति नहीं है, यहाँ सब अशांत रहते हैं, उनमें से हम भी हैं अशांत, क्योंकि हम भी देख रहे हो कितना भागा दौड़ी में गए और आए हैं, तो अशांत सभी हैं। यहाँ की लाइफ ही इतनी भागा दौड़ी वाली है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, कहाँ से, खेत थोड़ी ना रखे हुए हैं। हाँ, खेत भी जोतते हैं भाई तभी होता है, बिना किए तो कुछ खा नहीं सकता ना इंसान। दिलशाद गार्डन का भी बोर्ड आ गया है, गाड़ी में धीरे कर लूं क्योंकि यहाँ पे है कैमरास लगे हुए, कैमरास इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए गाड़ी धीरे करके स्पीड अपने आप ही देख रहे हो, सबकी धीरे हो गई है। और कैमरास मोस्टली है ना फ्लाईओवर से उतरते वक्त ही लगा देते हैं, सच में पता नहीं ये कौन सा नियम है। सही है ना, क्योंकि गाड़ी तो ऑटोमेटिकली ढलान पे होती है। इधर के साइड विवेक विहार है और सामने जाएंगे तो हम दिलशाद गार्डन है। बेल बजाया है मैंने, कार्तिक आए हैं गेट खोलने के लिए। तो ये ट्रेवल व्लॉग हमारा कैसा लगा आपको, छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा व्लॉग है, हो सकता है 2 पार्ट में डालूं, लेकिन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मम्मी अभी तक चढ़ नहीं पाई है, फर्स्ट फ्लोर है, फिर भी मम्मी को बहुत दिक्कत हो जाती है चढ़ने में, ये देखिए अब आ गए मम्मी। लेकिन हमारा घर इतना ज्यादा एयरी है ना कि गेट खुलते ही ना पूरी हवा आ रही है हर जगह से। कौन कौन आया घर में, कोई और भी आया लगता है, कोई आया हुआ है क्या, अच्छा दोस्त बाबा आए हुए। तो इधर ये देखिए इन्हें भी हेलो कर दीजिए, बच्चों के दोस्त बाबा आए हुए हैं, मेरे चाचू आए हुए हैं, सभी हेलो कर दीजिए। हेलो। ये देखिए सभी आराम कर रहे थे लगता है, है ना, तीनों बाबा पोते यहाँ पे आराम कर अभी रहे आए हैं खाना खा के, अभी हाँ। कोई आराम नहीं हुआ है, भोज था कहीं पर वहीं से खाना खा के अभी आए। अच्छा, हमें पता चल गया कहाँ भोज था। बेटा मेरा भी निमंत्रण था मगर मैं गई नहीं, हमारी बुआ के यहाँ था। अच्छा, यानी ये दोनों बहन मतलब दोनों भाई बहन क्या कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिए, आप बताइए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है ना दीदी, अगर कुछ ऐसी बात है तो। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, बड़ों का छोटों का, गर्मी में सबका ख्याल रखिए भाई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ग्लूकोन डी का पैकेट हमेशा घर में रखिए। पता चला है कि बिहार में भी बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बिहार बंगाल में बहुत गर्मी है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, गर्मी ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।